गाइस अभी पहाड़ों में पानी की प्रॉब्लम जो की त्यों बनी हुई है और टैंकरों से पानी आ रहा है। बिनसर में भी अभी टैंकरों से पानी आ रहा है, यहाँ पर भी पानी की बड़ी समस्या है। डेली 2 पिकअप यहाँ पर पानी आ रहा है। तो यहाँ ऊपर चढ़ाई है तो जस्ट क्या कहते हैं 1000-1500 लीटर ही पहुँच पा रहा है एक टैंकर में। टैंकर क्या है, पिकअप है वो, और क्या कहते हैं दो राउंड में क्या कहते हैं 3000 लीटर आ रहा, क्योंकि छलक जा रहा है। यहाँ की रोड बहुत अच्छी नहीं है ना। तो गाइस देखते हैं कि अभी पानी आया या नहीं आया, ऊपर चेक करके आते हैं। पिकअप आ गई है पानी लेके और अभी इस वाले टैंक को भर रहे हैं हम ऊपर से पानी से। और ये है कमलदा, कमलदा कह रहे हैं कि पूरे सूख गया है, यहाँ पर सिंचाई चल रही है। देखो यहाँ पर इस पेड़ के तो मजे हो गए यार। और यहाँ पर ये टैंकी है तो इस टैंक को भर रहे हैं। पानी की काफी समस्या हो गई है, गर्मी के मारे परेशान। और ऐसे पकड़ के क्या कहते हैं काम चलाना पड़ रहा है। और ये भारत टेंट हाउस पपरशली से गाड़ी आई है और वो हैं चालक। तो गाइस पहाड़ों में ऐसी समस्या हो गई है इस बार गर्मियों में, पानी सारा कंटरों से सारना पड़ रहा है, टैंकरों से गांव-गांव तक पानी सारना पड़ रहा है, बड़ी मुश्किल हो रखी है। तो यहाँ तक जो बिनसर एरिया है यहाँ पर कभी पानी का संकट नहीं हुआ था, लेकिन आज देखिए ये समय भी आ गया है कि यहाँ पर भी पानी का संकट हो गया है। तो गाइज अभी आपको दिखाते हैं आसपास का मौसम कुछ इस प्रकार है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और हिमालयाज तो पूरी तरह कवर्ड है। और ये जंगल काफ़ी खूबसूरत है, चिड़ियाओं की आवाज़ और झिंगुरों की आवाज़ आप सुन सकते हैं। तो जंगलों में तो काफ़ी खूबसूरत वातावरण हो रखा है, नहीं गर्मी है और थोड़ी ठंडक ठंडक महसूस हो रही है। देखिए काफ़ी बढ़िया यहाँ पर है, लेकिन पानी के संकट से सब यहाँ पर जूझ रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है पानी की वजह से। और डेली 2000 लीटर एक राउंड में यहाँ पर पानी आ रहा है। और ये है भाई साहब जो पानी लेके आए हैं। ताजू तुम कहाँ रहते हो? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा, क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह बिष्ट। और ये हैं देवेंद्र सिंह बिष्ट और ये इस पिकअप को चलाते हैं और रोज़ पानी की सप्लाई देते हैं बिनसर में, तो काफ़ी बढ़िया है। हाँ, जिससे थोड़ी बहुत राहत मिल रही है यहाँ पर, और टूरिस्ट भी गए हैं घूमने के लिए। और ये गाड़ियाँ आई हैं यहाँ पर टूरिस्ट को लेके। गाइस यहाँ पर एक कुआं जैसा है तो इसमें काफ़ी कूड़ा भर दिया था, प्लास्टिक, तो अभी आप देख सकते हैं पूरा अभी मिट्टी से भर दिया है, क्योंकि लंगूर बंदर जब आते थे ना इसका कूड़ा उठा के फैला देते थे। भाई साहब हाँ, गाइस ये है मेन टैंक जो पाइपों से कनेक्टेड है, स्रोत से पानी डायरेक्ट इस टैंक में जाता है। अभी प्रॉब्लम क्या हुई है कि ये जो टैंक है ये लीक हो गया है, इसमें पानी जो है रिस जा रहा है, जिससे कि पानी इकट्ठा नहीं हो पा रहा है और जिसके कारण यहाँ पर पानी की बिनसर में पानी की समस्या बढ़ गई है। तो गाइज ये मेन प्रॉब्लम है जिसके वजह से बिनसर में पानी का संकट वर्तमान में हो रहा है। यह है पानी की स्थिति, बहुत ही कम पानी है, बिल्कुल नीचे जड़ में बैठ गया है और यहीं से पानी नीचे लीक हो जा रहा है। तो पानी के संकट होने का मेन कारण यही है। आज बहुत समय के बाद बिनसर से हिमालयी के दर्शन हुए, तो 2 महीने हो गए थे और अच्छी बारिश हुई है आज। ये देखिए
और हिमालय देख के शैलानियों के चेहरे खिले।